अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग हिंदी स्टार्ट होता है और आज है जुम्मे का दिन और ईद का तीसरा दिन। जुम्मे की नमाज का टाइम हो रहा है, मैं रेडी शेडी हो गया, मैं चल जुम्मे की नमाज पढ़ने। तो गाइस ईद का तीसरा और जुम्मे का दिन तो फिलहाल एंड हो चुका है, अभी रात का वक्त तो हम जाना कहीं पे खापा शापा करने के लिए, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी नानी के यहाँ, फिर वहाँ से बंदे वगैरह उठाएंगे, फिर चलेंगे वहाँ से। नानी के घर से हमने अपनी खाला को ले लिया था और फिर चल दिया अपनी मिशन की तरफ। घूमते फिरते हम पहुंच गए हुसैनाबाद और वहाँ आके मेरे को बेनजीर भुट्टो की तस्वीर देख के हौसला आ गया। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में घुसे ही थे कि ऐसा लग रहा था फ्री की बिरयानी बट रही है। फूड स्ट्रीट में खाने पीने की चीजें कम और लोगों का सर ज्यादा नजर आ रहे थे। और शुरुआत में हमको दिख गया सारा बारबेक्यू का आइटम। ओए होए होए, एक तो ये चढ़ के गोल गोल घूम के पेशावरी डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ गर्म गर्म पराठे तैयार हो रहे थे। और गौसिया वालों ने इंटरेस्ट में फुल धूम मचाई हुई थी। गौसिया के अलावा मेरे यहाँ कुछ देख ही नहीं थी, इसलिए मैंने फोड़ने फाड़ने का सामान यहीं से पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऑर्डर देने गया, मेरे को लगा 36 घंटे लग जाएंगे ऑर्डर देके लेने में, लेकिन आखिरकार मेरी भी बारी आ गई। सबसे पहले मैंने ली हमारी कबाब किसी के, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा तो चड़का भी मिल जाता था, मैंने चड़के का ऑर्डर दिया और चड़का भी मैंने ले लिया, लेकिन मैंने लिया हाफ। जब देसी आइटम ले लो तो फास्ट फूड कैसे भूल सकते हो, मैंने फास्ट फूड का भी ऑर्डर दिया, मैंने जिंगर बर्गर और ब्रोस्ट वगैरह ले लिए। अरे मैया, इनकी वाली ब्रांच में भी रश था लेकिन थोड़ा कम बराबर वाली से। ब्रोस्ट और जिंगर पकड़ा और मैं चली गई आगे। यार सारा कोटा तो पूरा हो चुका था लेकिन आखिरकार लिमका रह गया था, इसलिए मैं लिमका भी ले लिया। ये भाई चॉकलेट लिमका के लिए अंकल ने सबसे पहले दूध डाल लिया, फ्लेवर डाल लिया, बर्फ डाल लिया और उसको ग्राइंड कर लिया, उसके बाद आगे सोडा डाल दिया, फिर सोडे की बोतलों के ढक्कनों को चांद भेजने का मेरा सोडा तैयार हो गया। ये अंकल सोडे की ढक्कन की बोतल इस तरह उछाले जैसे पेसल में, ये खिलाड़ियों को बॉल उछालने की टेक्निक बता रहे हूँ। फिर मेरी निगाहें दीदार करती हैं पान शरीफ का। यार उन्होंने पान की दीदार किस्म रखी थी, ऐसा लगता था सुबह के नाश्ते में और रात के खाने में से पानी खाते हैं। फिर मैंने भी 5 पान खरीद लिए। मीठे की तलाश करते हुए मैं आखिरकार पहुंच गया फालूदा लेने। मैंने इनके पास से मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के फालूदा ले लिए 5। यार ये फालूदा कोई इतना मजे का था ना कि इसमें तेरे सारे लवाजमात फजूल के डाले जा रहे थे कि अंकल भरे में भरे जा रहे थे इसको। अंकल ने इसका बेसमेंट से लेकर छत तक सब कुछ फुल कर दिया था और फिर VIP किस्म का तैयार हो गया मेरे फालूदा आगे और मैंने वही कहीं निमटा लिए। गाइस फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ कितना ज़्यादा रश था, तो हमने वहाँ डाइनिंग एरिया में बैठ के खाना पसंद नहीं किया, हमने बोला यहाँ पे उठा के जाओ, क्योंकि वहाँ पे अगर हम वहाँ बैठ के खाने लगते तो हमको कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं, वो इतना रश था कम से कम। डाइनिंग एरिया फुल हुए हुए थे तो हम घर लिया भी आई खाते बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या लेके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ जिंगर बर्गर और चरगा और फिर जिंगर बर्गर ब्रोस्ट और पराठे। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ। तो अभी फ्राइज से बिस्मिल्लाह करते हैं। अब मैं उठाऊंगा पराठा, मेरे पराठा उठा लिया और ये आ गया मिस्टर चड़गा। थोड़ा सा आएगा मसाला, मसाला बढ़ा दिया।